ओके मैं ये एम्पटी प्रोजेक्ट लेता हूँ जी एमवीसी में, ओके पे क्लिक करता हूँ। ओके अब फ्रेंड्स मेरे पास सारे फोल्डर्स कंट्रोलर और मॉडल्स हर चीज एम्प्टी है अभी इनिशियली। मैं मॉडल्स पे क्लिक करता हूँ ऐड और यहाँ पे फ्रेंड्स मैं एक न्यू आइटम पे चला जाता हूँ, डाटा पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ADO.NET एंटिटी डेटा मॉडल वही। अब इसको मैं कोई नाम दे देता हूँ जी एडवेंचर वर्क डीपी के नाम से, ऐड करता हूँ। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स लास्ट टाइम की तरह चार ऑप्शन मुझे नजर आ रही हैं, लेकिन मैं सबसे जो पहली अप्रोच है डेट इज कॉल्ड एंट्री फ्रेमवर्क डिजाइनर फ्रॉम डेटाबेस, ठीक है जी। यदि मेरे पास ये डीबी फर्स्ट अप्रोच है कि मैं इसे डेटाबेस दे दूंगा, वो डेटाबेस से क्या करेगा जी एक मॉडल जनरेट कर देगा, वो मॉडल जनरेट करेगा जो मुझे चाहिए था, जो मॉडल मैंने खुद क्रिएट करने थे, मॉडल क्लासेस मैंने खुद क्रिएट करनी थी, लेकिन अब वो मुझे उस डेटाबेस जो कि बनी हुई है उसमें से क्रिएट कर देगा, ठीक है जी। यहाँ पे वही प्रोसीजर, मैं नए कनेक्शन पे जाता हूँ, सर्वर का नेम एज यूजुअल मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और डेटाबेस का नेम मैं यहां से सेलेक्ट करता हूं एडवेंचर वर्स 2008। नेक्स्ट जी स्टूडेंट्स अब आपके सामने टेबल्स नजर आ रहे हैं। टेबल्स में स्टूडेंट्स आपके पास आपके डेटाबेस में जितने भी स्कीमाज हैं वो नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब आपके डेटाबेस में तीन चार स्कीमाज हैं, डीबीओ का स्कीमा बाय डिफॉल्ट स्कीमा होता है, इसके अलावा बाकी ये जो कुछ और स्कीमाज आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है जी। मैं चाहूँ तो सारे ही टेबल्स ऐड कर लूँ, चाहूँ तो मैं कोई खास टेबल सिर्फ ऐड करता हूँ, लाइक मैं ऐसे कर लेता हूँ कि जी सेल से रेलिवेंट चीजें ऐड कर लूँ, चले मैं एचआर से वाले से जितने भी टेबल्स हैं उनको ऐड कर लेता हूँ इनिशियली। आप चाहें तो सारे कर लें, कोई इशू नहीं है, फिनिश कर देते हैं जी। सो अगेन इट्स अ मैजिकल वर्क बाय एंटिटी फ्रेमवर्क कि आपने सिर्फ डेटाबेस का उसे पाथ दिया, बाकी सारे का सारा काम क्या है मैजिकल हो रहा है। मीनवाइल अगर आपके पास कोल्ड ड्रिंक हो तो ये आपका साथ देगी, क्योंकि ये कोई 30-35 सेकंड लेता है। आपके पास अगर चाय है तो उसके सिप्स ले लें, ठीक है जी। अगर आपने किसी को टेक्स्ट करना है तो वो कर लें, फेसबुक की अपडेट्स ले लें मोबाइल से, उतनी देर में ये हो जाएगा जी, ये लें, ठीक है जी, ये लें जी। नजर आ रहा है जी डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज पे जॉब कैंडिडेट शिफ्ट ये सारी क्लासेस आपको मिल गई, ठीक है जी। नजर आ रहा है जी, मेरे पास एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयज से रेलिवेंट सारी की सारी चीजें जो है ना उसमें इसे ऐड कर दी हैं, ठीक है जी।
और प्लस ये आपको एक और चीज यहाँ पे नजर आ रही होगी, वन टू मैनी का रिलेशनशिप, एक डिपार्टमेंट और इम्प्लाइड डिपार्टमेंट हिस्ट्री, वन टू मैनी का रिलेशनशिप आपको नजर आ रहा है, ठीक है जी। इसी तरह से मेरे पास जी और चीजें काफी सारी हैं, मैं इनको नहीं एक्सप्लोर करता, ठीक है जी। ये डेटाबेस पहले से बनी हुई है, आप चाहें तो ये डेटाबेस जो आपने कोई और डेटाबेस अगर बनाई होगी तो उसको भी यहाँ पे मैप करवा सकते हैं, जैसे मैंने किया एडवेंचरस वर्क, एडवेंचर वर्क 2008, ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से बिल्ट इन डेटाबेस है, ठीक है जी। मैंने इसलिए इसको चूज किया था कि इसमें एक तो मुझे ये बना बनाया मिल गया ना, दूसरा ये कि इसमें जो है ना डाटा भी काफी सैंपल डाटा ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो मैं इसको फिर यूटिलाइज कर लिया ताकि आपको नजर भी आ जाए। अच्छा यहाँ पे ये देखें, डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय हिस्ट्री, जॉब कैंडिडेट, शिफ्ट, ये डिपार्टमेंट की देखें क्लास, इसमें ये नजर आ रहा है जी आपको, ये वही क्लास है जो हमने क्रिएट करनी थी, लेकिन अब ये उसने क्रिएट कर दी। बात समझ आ रही है? मैंने सिर्फ अभी तक चंद क्लिक्स किए हैं, मैंने कोई कोड नहीं किया, ठीक है। इसके अलावा यहां पे ये देखें, ये डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास नजर आ रही है जी, ये देखें डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास। डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास के अंदर याद है जी हम डीबी सेट क्या करते थे, डीबी सेट डिपार्टमेंट एम्प्लॉय जितने टेबल होते थे सबके लिए एक एक डीबी सेट की प्रॉपर्टी ऐड किया करते थे, वो भी ऑलरेडी हुई हुई है, ठीक है जी। हमने सिर्फ चीजों को क्या करना है जी, एक्सप्लोर कर रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है जी। और एक दफा अपने डेटाबेस, अपने प्रोजेक्ट को रीबिल्ड कर देते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद मैं जरा कंट्रोलर ऐड करता हूँ और देखिएगा कि जी आई एम नॉट राइटिंग ए सिंगल पीस ऑफ कोड बट माई प्रोजेक्ट इज गेटिंग डन। नहीं जी बिल्ट हो गया, कंट्रोलर पे जाते हैं जी, ऐड। इस दफा मैं होम कंट्रोलर भी ऐड नहीं करता, मैं डायरेक्टली एमवीसी कंट्रोलर विद व्यूज एंड यूजिंग एनिटी फ्रेमवर्क ऐड करता हूँ। और यहां से मैं क्या करता हूँ जी, उसे मॉडल क्लास देता हूँ। मॉडल क्लास में कहता हूँ जी पहले डिपार्टमेंट के लिए डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास, चलो जी ऐड। आप स्कून से चाय पिए, एमवीसी इज ड्रॉइंग योर कोडिंग। ले जी ठीक है जी, आपके लिए सारा कुछ क्या हो गया है जी, रेडी हो गया, ठीक है। जरा चला के देखें डिपार्टमेंट्स, बाकियों के लिए भी हम कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले जरा इस कंट्रोलर का नाम क्या है जी, डिपार्टमेंट्स। तो मैं ये करता हूं अपने लेआउट में जाके थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं, इसका लिंक भी लगा देता हूं ना मेन्यू पे, टॉप मेन्यू पे। किधर गया भाई, यही था जी। चले अब चूंकि मेरे पास होम नाम की कोई चीज नहीं है, सिर्फ एक एप्लीकेशन ही है, तो भाई क्या कर रहा है, द HTML एक्शन लिंक। और यहां पे मैं करता हूं जी, जी जी हाँ जी जरूर, इंडेक्स। और ये कौन सा कंट्रोलर होगा जी, डिपार्टमेंट्स के कंट्रोलर के अंदर, ठीक है जी। और बाकी जो CSS वाला इफेक्ट ऐड करने के लिए बस रहने ही देते हैं कुछ, ठीक है जी।
दैट्स ऑल। मैंने एक लिंक भी लगा दिया। अब स्टूडेंट्स मैं ये करता हूँ जी कि मैं इस साइट को रन करता हूँ, देखते हैं कि जी क्या होता है। अगेन अगर आपके पास चाय है कॉफी है तो आप जरूर इंजॉय कर सकते हैं, अदरवाइज आपको बोर होना पड़ेगा जी। किस में वो कहते हैं कि जी कोल्ड ड्रिंक प्लस पिज्जा इज इक्वल्स टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। कभी देखी नहीं ऐसी फोटो फेसबुक पे हैं? कॉफी प्लस बर्गर ये कॉफी प्लस पिज्जा इज इक्वल्स टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ये बस। सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है ना वो मोस्टली मतलब इनपुट करते हैं ये और आउटपुट करते हैं सॉफ्टवेयर जी। और ये जी क्या बात है जी, चूंकि मैंने राउट सेट नहीं किया था, मैंने इसे बताया नहीं था कि जी आपने पहला कंट्रोलर कौन सा चेक करना है, लेकिन हम फिर भी डिपार्टमेंट्स बता देते हैं उसे। अब पूछते हैं कि जी अब क्या हाल है उसके जी जी। फेसबुक से इम्प्रेस हूँ क्या मतलब? फेसबुक वाले बोतल पीते हैं? नहीं ये नॉर्मल हर बंदा ऐसे ही करता है। ये देखें जी नजर आ रहा है जी इंजीनियरिंग टूल सेल्स मार्केटिंग ब्रांचिंग प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग एंड ब्ला 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 ब्ला। ठीक है जी आप एक और ऐड करके देखिए जरा होता है कि नहीं होता। नेम ऐड करें सी एस एन आई टी, ग्रुप नेम आप कुछ भी लिख दें और मॉडिफाइड डेट। जी ये ले हो गया ऐड जी नजर आ रहा है जी सी एस आई टी गर्ट एंड ब्लाब। ये डाटा ऑलरेडी डेटाबेसिस में पड़ा हुआ था ठीक है जी, इसलिए मुझे ये नजर आ रहा है। मैं चीजें इसमें से डिलीट भी कर सकता हूँ। ये ले डिलीट इट इज डिलीटेड। अब पता क्या थोड़ा सा ये हुआ है कि जी ये जो डिपार्टमेंट जो मैंने डिलीट किया इस डिपार्टमेंट का रेफरेंस आगे कहीं गया हुआ है, मींस कि जी कुछ और एंटिटीज हैं जो कि इस डिपार्टमेंट को यूज कर रही हैं ठीक है जी। फॉरेन की में इसका रिलेशन गया हुआ है तो डेट्स वाई वो डेटाबेस के स्कीमा के चेंजिंग की वजह से यहाँ पे इशू कर रहा है। अब जब इस तरह की कुछ एजेंट्स आ रही होंगे इस तरह की चीजें आ रही होंगी फिर आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए कि डॉट नेट कहता है कि आपको यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी चाहिए ट्राई कैश के थ्रू ठीक है जी। जब ये एक्सेप्शन अकर हुई है तो ट्राई कैश के थ्रू आप यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग करें और एक व्यू बना लें एरर पेज का ठीक है जी। और जब भी एक्सेप्शन आए उससे जो मैसेज आए उस मैसेज को पास करो उस व्यू में और वो जो एरर वाला व्यू है उसको रेंडर कर रहा है। समझ आ रही है इससे आपका पेज स्टेबल रहेगा ठीक है जी। थोड़ी सी एफर्ट दीजिएगा अपने प्रोजेक्ट्स के लिए ठीक है। और एक और भी चीज अनाउंस कर दूं, आज हमारे 26 लेक्चर तकरीबन कंप्लीट हो गए हैं, आज हमारा 27वां लेक्चर है और 32 लेक्चर तक
नींद के लिए मेरे पास दो या तीन और लेक्चर हैं, उसके बाद जो आखिरी दो लेक्चर होंगे उसमें मैं आपको आपके प्रोजेक्ट्स की इवैल्यूएशन करूंगा। ठीक है, तो एमबीसी के अंदर प्रोजेक्ट्स बना लें, आई होप कई लोगों ने तो बना भी लिए होंगे, ठीक है, या स्टार्ट भी कर दिए होंगे, लेकिन नहीं किए कर लें। और कीप इन माइंड के भी उसमें भी कुछ शर्तें होंगी, मेरी स्कैफोल्डिंग यूज कर सकते हैं, मगर मुझे ये नजर नहीं आती है कि सिर्फ स्कैफोल्डिंग ही यूज होती है, कुछ और काम किया ही नहीं हुआ। मतलब वो जो व्यू नजर आएगा, जैसे यहाँ पे जो मुझे व्यू नजर आया था, उस व्यू में थोड़ी सी चेंजिंग होनी चाहिए ताकि मुझे लगे कि ये सिर्फ स्कैफोल्डिंग वाला काम नहीं हुआ था, कुछ चीजें और भी हुई। ठीक है, इसी तरह से मतलब जब डिफॉल्ट कोड होते हैं ना, या डिफॉल्ट व्यूज जो होते हैं वो मुझे नजर आ जाते हैं फॉल्ट, उस पर आपने चेंजिंग्स करनी है। ठीक है, प्लस उसके अलावा ये जो एक्सेप्शन वगैरह आती है, चीज़ें डिलीट करते हुए, ऐड करते हुए, इस तरह की चीज़ें वो नहीं होनी चाहिए। दूसरा एक और काम यहाँ पे होना चाहिए, कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे ड्रॉप डाउन आनी चाहिए इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट बॉक्स, जैसे डिपार्टमेंट का नेम, जैसे मैं एक नया एम्प्लॉय ऐड कर रहा हूँ, नए एम्प्लॉय ऐड करते हुए मैं डिपार्टमेंट का नेम मुझे हमेशा सेलेक्ट करवाना चाहिए ताकि वही डिपार्टमेंट नजर आए जो डिपार्टमेंट है। क्या कह रहा हूँ, इस जगह पे जो डिफॉल्ट स्कैफोल्डिंग होती है वो आपको सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स देती है, लेकिन कभी कभी आपको जरूरत पड़ती है कि आप टेक्स्ट बॉक्स की जगह पे यूज करें रेडियो बटन, चेक बॉक्सेस, लिस्ट बॉक्स, वो आपको कुछ थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा। इस तरह एक्सेप्शन के वाले के लिए आपको कुछ स्टडी करनी पड़ेगी, और छोटे छोटे कई एरर्स होंगे जिनके बारे में आपको स्टडी उससे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक आपको दे दिया गया जिसपे आपकी स्ट्रक्चर जो है ना वो खड़ा हो सकता है। इससे अगला काम जो फिनिशिंग वाला काम है, डेकोरेशन वाला काम है, बस वो आपने करना है। डेढ़ सौ बात समझ आ रही है, अच्छा ये जो स्कैफोल्डिंग के थ्रू कोड जनरेट हुआ, मैं उस कोड को भी यहां पे देखना चाहूंगा। इस कोड में स्टूडेंट सबसे पहला एक बुनियादी स्टेप पता क्या है, स्टेप नंबर वन, कि जो भी आपकी डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास है, यानी ऐसी क्लास जो कि डीबी कॉन्टेक्स्ट से इनहेरिटेड है, उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाए। जैसे आप लिंक टू सीक्वल में क्या करते थे, याद है, डेटा कॉन्टेक्स्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाए, तो सिमिलरली यहां पे डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाए। सो क्रिएट ए ऑब्जेक्ट ऑफ डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास। उसके बाद स्टूडेंट्स डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास के अंदर आप क्या करते हैं जी, यहाँ पे वहां पे आप क्यूरीज यूज किया करते थे, लेकिन यहाँ पे अगर आप क्यूरीज यूज करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ना भी यूज करना चाहें कोई बात नहीं। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल रखता हूँ, वार रिजल्ट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख देता हूँ जी डीबी डॉट डिपार्टमेंट, और यहाँ पे क्या कर देता हूँ जी, मैं लिख देता हूँ जी रिजल्ट डॉट टू लिस्ट, दैट्स ऑल, तब भी ठीक होगा। ठीक है जी, अच्छा आप में से जो लोग पसंद करते हैं कि जी उन्हें लिंक की क्यूरी ज्यादा पसंद है, तो आप ये भी कर सकते हैं, फ्रॉम डी इन डीबी डॉट डिपार्टमेंट्स सेलेक्ट डी। ठीक है जी, तो ये क्यूरी भी चलेगी, इसका मतलब भी वही होगा, बात समझ आ रही है जी। ओके, छुट्टी का टाइम हो गया, क्या बात है, ओ हाले 15 मिनट पे चलो जरा 2 मिनट है, पूरा प्रोसेस
समवन स्पेशल। ओके तो स्टूडेंट्स आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अब यहां पे देखें, अगर आप ये चाहें कि जी मैं चाहता हूं कि जी ये जो यहां पे सर्चिंग का पेज बना दो, सर्चिंग का एक कंट्रोलर बना दे, बना सकते हैं आप कैसे? आप एक ऐसा एक्शन मेथड लेंगे जिसका नाम रखें आप सर्च, ठीक है? और वो सर्च का मेथड क्या करता हो कि एक स्ट्रिंग लिखा हो पैरामीटर, ठीक है, और वो स्ट्रिंग फिर आगे क्यूरी के अंदर पास करें और आपको सो सुबह या जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी उसमें आप लोगों ने एक काम करके आना है, ठीक है? मैं आपको एक मॉकअप सा बना देता हूँ यहाँ पे यानी मेथड का, जिसको मैं सर्च का मेथड कहता हूँ, मैं उसको कहता हूँ जी प्राइवेट या सॉरी पब्लिक एक्शन रिजल्ट सर्च स्ट्रिंग एस, ठीक है जी। और यहां पे आप क्या करें जी वार रिजल्ट इज इक्वल्स टू डीबी डॉट डिपार्टमेंट्स डॉट फाइंड, और फाइंड में आप कर दें जी यहां पे जो भी चीजें आप फाइंड करना चाहते हैं जी। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन अब मुझे एग्जैक्टली इसका सिंटेक्स याद नहीं है, मैं इसको अपनी दूसरे तरीके से कर देता हूं। फ्रॉम ये मेरे पास क्या थे जी डिपार्टमेंट्स डी इन डीबी डॉट डिपार्टमेंट्स वेयर डी डॉट डिपार्टमेंट नेम डॉट कंटेन्स एस, ठीक है, सेलेक्ट डी, ठीक है जी। और फाइंड वाली भी चल जाएगी, मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं है कि यार वो उसमें किस तरह से जो है ना क्यूरी पास की जाती है, ठीक है। मीन्स के जी अगर आप नेम में सर्च करना चाहते हैं या किसी और चीज में सर्च करना चाहते हैं तो वो आपको बताना पड़ेगा, लेकिन अगर आप वैसे ही एस पास कर देते हैं तब भी चल जाएगा, लेकिन यह है कि हमें बताना पड़ेगा। अगर आप स्पेसिफिक बात करते हैं सिर्फ नेम के अंदर कंटेन करना चाहिए तो फिर आपको इस तरीके से करना चाहिए। लैम्डा एक्सप्रेशन थोड़ा सा यूज होते हैं, तो मैं अभी लैम्डा एक्सप्रेशन फॉर द सेक अभी इस टाइम मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, तो मैंने उसको पुराने तरीके से ही कर दिया। आपकी मर्जी है, आप इस तरीके से कर लें या उस तरीके से कर लें, इशू कोई नहीं है, ठीक है जी। रिटर्न व्यू, और यहाँ पे आप कर दें जी रिजल्ट डॉट टू जी 150। इस तरीके से क्या होगा जी आपके लिए एक मेथड बन गया जो कि सर्चिंग का काम करेगा। इसके लिए अब आप एक व्यू बना लें जो कि स्ट्रांगली टाइप व्यू होना चाहिए, ठीक है जी। मैं इसको इनिशियली एक दफा क्रिएट कर देता हूं, एड व्यू। अब ये जो व्यू आप एड करेंगे जी ये इसको आप बना लें जी लिस्ट टाइप का व्यू बना लें, मॉडल क्लास आप यूज करें जी डिपार्टमेंट्स की एडवेंचरस डेट इज पार्शियल व्यू अभी नहीं यार आगे, ठीक है जी ये लें। अब स्टूडेंट मैं पूरा व्यू तो नहीं आपको दिखाऊंगा, लेकिन मैं ये करता हूं कि मैं आपको जो अभी तक फंक्शनलिटी आपने की है उसके बारे में आपको दिखा देता हूँ। आपको याद होगा मैंने कहा था जी आप कंट्रोलर का नाम लिखते हैं स्लैश एक्शन का नाम लिखते हैं और जो तीसरा पैरामीटर होता है वो एज ए पैरामीटर पास हो होता है स्लैश के बाद जो तीसरा एलिमेंट होता है, ठीक है जी।
सो डिपार्टमेंट्स जी। अब स्टूडेंट्स मैं सर्चिंग का बटन तो अभी नहीं लगा सका, लेकिन मैं ये कर लेता हूँ कि सर्च का जो मैंने मेथड बनाया, एक्शन मेथड बनाया, और स्लैश यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी CSNIT। आपको याद होगा मैंने CSIT का या CS ही सिर्फ लिख देता हूँ, तो जिस जिस भी डिपार्टमेंट में CS कंटेन करेगा सिर्फ वही मुझे नज़र आएंगे जी। नहीं कर रहा नहीं, क्वेश्चन मार्क की जरूरत नहीं होती, तीसरा हमेशा याद है पैरामीटर ही जाता है। मैं सिर्फ सी को करके चेक करता हूँ। नहीं, वो हमेशा तीसरा इसी तरह जाता होता। हम चेक कर लेते हैं कि जी मेरा ये सर्च वाला एक्शन मेथड कॉल होता है कि नहीं होता विद द हेल्प ऑफ। ये देखें सर्च का एक्शन मेथड तो कॉल हो रहा है, चूंकि इसमें वो जा रहा है मेथड में, ठीक है जी। तो अब स्ट्रिंग में चेक कर लूँ, स्ट्रिंग में एस इक्वल सुना, हाँ यहाँ पे नल आ रहा है, नल आ रहा है, मीन्स के जी वो मैं जो तीसरा पैरामीटर पास कर रहा हूँ वो आ नहीं रहा, हाँ पास ठीक नहीं हो रहा। इक्वल या शायद क्वेश्चन मार्क या कुछ इस तरह का लिखता होगा, चलें उसको देख लेते हैं, ठीक है जी। कुछ इसी तरह का कुछ होगा सिलसिला, आपने सर्चिंग वाली कोई एक फंक्शनलिटी इसमें ऐड करके लेके आनी है नेक्स्ट टाइम जब आप लोगों ने मेरे पास आना है, ठीक है जी। टिल देन अल्लाह ताला आप लोगों का हामी और नासिर हो।